ऐसे विचाले वड्डी खबर सामने आ रही है। खालिस्तानी नैटवर्क खिलाफ NIA का एक्शन वेखण नूं मिलिया। अज फिर तो ही पंजाब अते हरियाणा विच छापेमारी चल रही है। 67 तो 15 टिकाणियां ते ऑपरेशन चल रहा है। मोगा दे पिंड झंडेवाला विच एक्शन चल रहा है। बटाला दे पिंड बेलोवाल विच NIA दी रेड पई है। इत्थे ते दस दईए मोगा दे पिंड झंडेवाला विच NIA दी रेड पई है। पंजाब पुलिस भी मौजूद है। तां इत्थे दस दईए कि लाभ ना दे शख्स दे घर ये रेड की जा रही है। फंडिंग नूं लैके पुछगिछ की जा रही है। उत्थे बटाला पुलिस अधीन पैंदे हलका श्री हरगोबिंदपुर विच पिंड बोलेवाल विच कृपाल सिंह दे घर NIA दी रेड की जा रही है। ते सूत्रां दे हवाले तो जानकारी सामने आई है कि कृपाल सिंह अमृतपाल सिंह दा साथी है, करीबी है, तो इस करके पुछगिछ इत्थे की जा रही है। तो रेड अजे भी जारी है। साडे नाल साडे सहयोगी भोपाल सिंह जुड़ गए हैं। भोपाल, इस समय का की अपडेट है? कितनी देर हो गई है? कदों तो ये छापेमारी चल रही है ते की कुछ बरामदगी हुई है? देखो, बरामदगी की गल की जाए तो हाल ये कुछ भी सामने नहीं आया कि कुछ बरामदगी हुई है। लेकिन जे रेड की गल की जाए तो यह सवेसार तो रेड भाई कृपाल सिंह के घर पिंड बोलेवाल चल रही है NIA की। तो हाले भी उत्थे ये रेड जी है जारी है। तो टीमां अंदर उन्होंने घर के अंदर सारी चैकिंग कर रही हैं। तो दूसरे पास जो गल की जाए तो बाहर सिक्योरिटी के परपज के तौर पर पंजाब पुलिस के जवान भी तैनात किए हुए हैं। तो सवेर तो ही जी रेड अजे भी उत्थे जारी है। बरामदगी की हुई है या फिर की कुछ नाल लैके गए ने वो तो उदों ही पता लग पाएगा जदों उन्होंने परिवारक मैंबर कैमरे के सामने आएंगे। फिलहाल मीडिया नूं भी उस जगह तो दूर रखा जा रहा है। तो छापेमारी जी वो हाले भी चल रही है। भोपाल, जिथे चैकिंग चल रही है वो अमृतपाल सिंह दा करीबी भी दसिया जा रहा है। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ? ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇਵਾਲਾ ਇਹ ਹਲਕਾ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ NIA ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਤਰਕਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਭੋਪਾਲ तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ 15 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।